हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम करने वाले हैं एक हॉरर वीडियो। मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। मैं अभी स्पेशली ओम नमः शिवाय वाली शर्ट पहन के आऊं क्योंकि मेरी फट रही है बहुत ज्यादा। सामने आप देखो, ये आंटी देख के डर लग रहा है क्योंकि आज फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग हम करने वाले एक हॉरर वीडियो एंड मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये करने में, बट हम करेंगे गाइस क्योंकि यार कंटेंट ब्रो, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे डोले मस्त लग रहे हैं, ये शर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी है एंड डरने का नहीं, फुकरा इंसान ओपी बोलते हैं इन द चैट बॉयज। कसम से इंसान इतनी बकवास तभी करता है जब उसको डर लग रहा होता है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बट लेट्स सी क्या है क्या नहीं। वीडियो हो रही है लेट रिकॉर्ड, तो इस वक्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड चलते हैं यहाँ से 7 क्रीपी घोष वीडियोस देखने दैट वी आर गोना रिग्रेट वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, ये अभी इंट्रो है जो इतना डरावना है। ओके, क्लिप नंबर 7। बोर्ड नामक एक पोर्तुगीज यूट्यूबर ने एक अबेंडेंट घर को इन्वेस्टिगेट करते हुए इस वीडियो को फिल्माया था। खैर, कोड इस वीडियो में अपनी टीम के साथ एक घर को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे होते हैं और अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान आखिर क्या कैप्चर करते हैं, आप सभी इस क्लिप में देखिए। ओके, तो बेसिकली तुम समझ गए ना, कोड नाम का एक यूट्यूबर है जिसने ये वीडियो बनाई है, तो देखते हैं। वहाँ कुछ था, भाई डर लग रहा है। ओह शिट, भाई तेरे को पता है, तुम्हें उसने नोटिस नहीं करा कि जब उसने कैमरा एंगल यहाँ घुमाई, यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई एक तो तुम पता है हेडफोन्स पहन के जब सुनोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा क्या चल रहा है। भाई एक तो उतार ही दो, इसे सुनते हैं। भाई भाई उसने गोली निकाल ली। भाई आवाज कम करो, तो सच में डर लग रहा है। ब्रो मत जा भाई, घर से भागो। एक तो भाई ये नहीं समझ आता, अंदर देख रहा है उनको भूत, भागो वहां से। Ai mano, pô, não posso ser possível isso não, cara. Ela tava aqui agora, eu topei de frente com ela, mano. Eu vi. Cara, o mesmo cabelo da janela, velho. Ela nunca tinha aparecido, né? Não, proper searching chal rahi hai wahan par. Okay. ये पहली क्लिप में मेरे को इतनी फटी है ना मेरी, मैं भगवान की कसम बता रहा हूँ, वो जो मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, वहाँ दूसरी बार भी कोई भूत एकदम से जंप स्केयर देगा, बट मुझे ये नहीं समझ आता अगर तुम्हें भूत दिखता तो तुम वहां से भागते क्यों नहीं हो। अगर मुझे कहीं ऐसे कहीं किसी घर में जाके भूत दिखेगा ना, मैं सबसे पहले भागूंगा उस घर में, या तो सुसु कर दूंगा। मैंने इतनी ताकत कैसे आती है इनके पास यार, घोस्ट हंटर्स। ओके, नेक्स्ट क्लिक। इस वीडियो को डेरेक फील्ड नामक एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था। होता यह है कि डेरेक की वाइफ कई बार अचानक से पजस्ड हो जाती है और डेरेक का मानना ये था कि कोई डेमोनिक एंटिटी उनके वाइफ पर हावी हो चुकी है। खैर, वे ये बात किसी को भी बताते थे तो उन पे कोई भी विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन उनकी वाइफ फिर एक बार पजस्ड हो जाती है और डेरेक भी उस एक्टिविटी को लाइव रिकॉर्ड कर लेते हैं। खैर, अब डेरेक ने क्या रिकॉर्ड किया था। ओके, क्लिप देखने से पहले फिर से मैं सबको समझा देता हूँ। डेरेक नाम का एक क्रिएटर है जिसका क्रिएटर है या बंदा है जिसकी वाइफ को पोजेस कर लेते थे, तो उसको इस चीज ने का मतलब उस चीज के बारे में इसने बहुत लोगों को बताया कि ऐसा होता है, बट लोगों ने यकीन नहीं करा तो उसने उसको फिल्म कर लिया। उसकी वाइफ उसको रिकॉर्ड करने से मना कर रही थी, एकदम से
घोस्ट आया, दरवाजा बंद, वो छत के ऊपर। Holy shit, ये रात को रिकॉर्ड करने का मैंने क्यों सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तुम्हें मजाक लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। ये देखो एक बार कैसे एकदम से ऊपर हुई वो और खत्म। और ये देखो ये कैसे ऊपर चढ़ गई और एकदम से गेट बंद हुआ और गायब और नीचे। मेरी हवारी क्लियर है, वो तुम सोच भी नहीं सकते भाई। मैंने क्लिप्स नहीं देखी हुई, तो जैसे मैं क्लिप्स देखता हूँ मेरी ब्रर हो जाती है भाई। ओह माय गॉड, बहुत स्केरी है गाइस। क्लिप नंबर 5। एक मशहूर टिकटॉक यूजर ने इस वीडियो को अपने नए खरीदे हुए घर पर फिल्माया था। वेल, उनका मानना ये था कि जब से उन्होंने ये नया घर परचेस किया है, तब से उनके साथ इस घर पर अजीबोगरीब गतिविधियां हो रही है। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जल्द से जल्द उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। भाई, ये एक टिकटॉकर का घर है और उसने ये बोला कि जब से मैंने ये घर लिया उसमें डेमोनिक प्रेजेंस है, वहाँ कुछ ना कुछ उल्टा होता है। तो आर यू गाइस रेडी? अगर रेडी तो चैनल का सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो भूत तुम्हारे को आज रात को बेड में दिखने वाला है, समझ जाना। मुझे डर लग रहा है, मैं सुनना नहीं चाहता। हेलो, अच्छा होला की आवाज आ रही है भाई, मेरे को डर लग रहा है। आई एम सो स्केर्ड राइट नाउ, मैं नहीं सुन सकता, सुनना भी है। Is someone here? बस कर जा प्लीज, बस कर जा। कोई उसके पीछे बढ़ गया, मुझे रात को ही ना सोना है। बहुत सस्पेंस बिल्डअप था, मतलब भूत तो नहीं दिखाया बट लिटरली इतना सस्पेंस बिल्ड करा ना इन्होंने ये चीज बनाने के चक्कर में कि भाई कैसे उसका पीछा कर रहा था, कोई ना कोई आवाज आ रही है। पहले उसको होला की आवाज आ रही है, फिर ढक 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 की आवाज आ रही है, फिर एकदम से हाथ दिखा और एकदम से दरवाजा खुल रहा है, पीछे पीछे हो रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है, मैंने माफ कर दे, मुझे छुट्टी दे दे, हॉरर वीडियो अगली बार भाई गॉड आई स्वेयर अकेले नहीं बनाऊंगा, मम्मी मेरे को साथ चाहिए वीडियो बनाने के लिए। All is well. तो मैं भाई मजाक लग रहा हूँ, मैं सच में बहुत डरता हूँ। मैं तुम्हें स्टोरी टाइम बताता हूँ। बचपन में मम्मी बाथरूम में बंद कर देती थी ना, लाइट ऑफ कर देती थी, तो मेरे को डर लगता था कमोड के अंदर से कोई भूत आ जाएगा, मैं ऐसा बन जाऊँ भाई। स्वैग वाले चश्मा पहन लिया है, स्वैग वाले चश्मे में नेक्स्ट क्लिप देखने वाले हैं। इस वीडियो को एक महिला ने तब रिकॉर्ड किया था जब उस महिला को ऐसा एहसास हो रहा होता है कि उनके बच्चे के पास एक स्ट्रेंज चीज मौजूद है। खैर, इसकी पुष्टि करने के लिए वे महिला एक हिडन कैमरा का यूज करती है। बदले में वे हिडन कैमरा आखिर क्या फिल्माता है, आप सभी इस क्लिप में देखिए। भाई ये क्या सीन है बे? What the hell is this thing? तो क्या सीन है, मतलब उसको लगता है कि उसके बच्चे के पास कुछ ना कुछ आ रहा है बार बार, सारा स्वैग खत्म मेरा। वहां पर उसने एक हिडन कैमरा लगा दिया अपने बच्चे के पास, एंड अब ये देखो उसको क्या दिख रहा है। ये क्या सीन है बे, किसी का हाथ है? ओ शिट, ओ भाई एनाबेल डॉल जैसा लग रहा है कुछ, या तो मुझे ठंड लग रही है या मेरे को बहुत डर लग रहा है।
लिए अंधेरा मत करा करो यार। ओ भाई मेरे को हिम्मत चाहिए, इतनी आसान नहीं है ये सारी क्लिप्स देखना मजाक से हटके भाई। डेंजर डेंजर, नेक्स्ट क्लिप थर्ड। फॉर द गाइस, गोस्ट हंटर ने इस वीडियो को एक ऐसे अबेंडेंट घर में जाकर फिल्माया था जहां के आस पड़ोस के लोगों का ये कहना है कि ये घर काफी ज्यादा भूतिया है। यही नहीं बल्कि उन लोगों का ये भी कहना है कि रात में इस घर से काफी स्ट्रेंज और अजीब गरीब आवाजें सुनाई देती है। खैर इन सब के बावजूद भी वे गोस्ट हंटर इस घर पर एंटर होते हैं। यार ये पोर्चुगीज बहुत ज्यादा मतलब हिम्मती हैं यार, मतलब क्या मतलब सारे पोर्चुगीज गोस्ट हंटर ही मिलते हैं क्या? अब देखो अबैंडन घर में अंदर घुस गया, अब देखो मैं तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है डर। सस्पेंस बिल्ड हो रहा है और यहाँ कोई भूत आने वाला है, आएगा। तुमने देखा क्या हुआ? एकदम से सारी चीजें एक साथ हो गई। क्लिप नंबर टू। एक कोरियन गोस्ट हंटर जिनके चैनल का नाम बोरो बोरो है, इन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल करते हुए इस वीडियो को बनाया था जो कि ईयर 2009 से ही बंद पड़ा हुआ है। खैर इस हॉस्पिटल के पीछे ऐसा क्या रीजन है जो कि इसे अबेंडेंट बना के रख दिया है, इसका रहस्य जानने के लिए तो आप सभी को इस क्लिप को देखना होगा। भाई ये क्लिप नंबर टू है, ये बहुत डेंजरस होने वाली है, मुझे लग रहा है डर। कोरियन बंदा है बोरो बोरो, वो एक हॉस्पिटल को देख रहा है भाई, बिना बिना म्यूजिक ऑडियो के। ऑडियो तुम सुनो, मैं देख रहा हूँ बस। भाई इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो? क्या इसने कुछ देखा? डॉग लग रहा है तो। या तो मेरे को ऐसा डॉग डॉग सा लगा, मतलब ये मेरे को ये वाला हॉन्टेड नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे ऐसा लगा वहां कोई भूत भूत नहीं है, कोई डॉगी वोगी बैठा हुआ है। ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि अच्छा है कि वहां कोई भूत भूत नहीं दिखा, ये मैं खुश हो रहा हूँ। पर ठीक है, दिस इज द लास्ट क्लिप, इसके बाद कोई क्लिप नहीं देखने वाला। मेक्सिकन यूट्यूबर ने इस वीडियो को हाल ही में पब्लिश किया था। खैर इस वीडियो को जब मैंने पहले बार खुद देखा था तब मुझे ये वीडियो काफी हद तक स्क्रिप्टेड लगी। जिस बंदे ने ये डाली है वो भी कह रहा है कि ये उसके हिसाब से क्लिप स्क्रिप्टेड है, बट लेट्स सी। बट ये अगर स्क्रिप्टेड है, एक सेकंड भाई, यहां तो भूत के हाथ खून वून के निशान है। अरे लड़की लग रही है मेरे को तो। नहीं भाई ये डराने वाले हैं, बहुत गंदा स्क्रिप्टेड है, ये डराने वाले हैं। होली शिट भाई, क्या बकवास है ये, क्या ही बकवास है, मैं देख ही नहीं रहा ये। ओ भाई मार डाल, हाँ मार मार। मेरे को देखना ही नहीं है भाई, बंद करो भाई। क्या देख लिया भाई, गॉड भगवान की कसम जो आखिरी में देख लिया ना मैंने, ये नहीं देखना चाहिए था। ये रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोना है मेरे को भाई, मजाक से हटके ये वाली चीज जो दिखा दी ना भाई, गॉड मेरे को सबसे ज्यादा डर ही ये लगता है जो ये जमीन से लेके रूफ तक की वो भूत दिखा देते ना, क्रेजी था ये। मतलब अगर मैं वहां हूं ना मेरे को हार्ट अटैक आ जाए भाई, ये पक्का स्क्रिप्टेड है। वीडियो अपलोड कैसे कर दी इसने भाई, इंसान बच ही नहीं सकता भाई। ओह माय गॉड दिस वाज क्रेजी। I hope you guys like the video. अगर आप और देखना चाहते हैं ऐसे horror videos जिसमें मेरी फट रही है और तो बहुत मजा आ रहा है, तो do comment down, मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching. Bye. गुड्डी सी करा दे जट दी, जट तो थोड़ा पटनी, वो एवे ना रू हुई ना फ्रैंक मेरे नाल।